सुप्रभात दर्शकों, स्वागत है आपका आज के राशिफल में। कैसा रहने वाला है आज आपका दिन, क्या कहते हैं आपके सितारे और किन बातों से आज आपको रहना चाहिए सावधान, आइए जान लेते हैं 21 सितंबर 2023 का राशिफल। ज्वाइन महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी फॉर प्रोग्राम्स लाइक फार्मेसी, डी फार्मा, बी फार्मा, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, फिजियोथेरेपी, लॉ एंड रिसर्च प्रोग्राम्स। फॉर एडमिशन कॉल 8800697058। सबसे पहले राशि है मेष राशि। मेष राशि के जातकों, आज आपका दिन मिला जुला रहेगा। ऑफिस में भी आज आपका दिन मिला जुला रहने वाला है। अपने कार्यालय के नेतृत्व की जिम्मेदारी आज आप उठा सकते हैं और आज आप इसे पूरा भी करेंगे। आज आपका दिन थोड़ा परेशानी वाला रह सकता है, लेकिन शाम के समय अपने परिवार के साथ बैठकर आज आप समय बिताएंगे, जिससे आपके दिन भर की थकान दूर हो जाएगी। आज आपको धैर्य बनाए रखने की आवश्यकता है और किसी प्रकार का कोई आलस आज ना करें, वरना आप परेशानियों में पड़ सकते हैं। जहां तक बात व्यापार करने वाले जातकों की है, तो व्यापार के जातकों के लिए भी आज का दिन मिला जुला रहने वाला है। आज आपके ऊपर आपके बुजुर्गों का आशीर्वाद बना रहेगा। अगली राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों, आज आपका दिन शानदार रहेगा। आपको हर क्षेत्र में आज कामयाबी मिलेगी। आज जिस क्षेत्र में भी कोई कार्य आप करना चाहते हैं, उसमें आप आज सफल हो सकते हैं। आज आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन आज किसी भी प्रकार से प्रॉपर्टी में कोई बड़ा निवेश या फिर उसे खरीदने की कोशिश ना करें, वरना आज आपको नुकसान हो सकता है। अगर आज आप चार पहिया वाहन खरीदना चाहते हैं, तो आज का समय ठीक नहीं है, इसे कुछ समय के लिए टाल दें। आज अपने माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और आज धैर्य बनाकर जीवन में आगे बढ़ें। अगली राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों, आज आपका दिन अच्छा रहने वाला है। यदि आप जॉब करते हैं, तो आज आपके कार्यालय में आपको कोई बड़ी उन्नति प्राप्त हो सकती है, जिससे आपके आय में भी बढ़ोतरी होगी। इस कारण से आज आपके परिवार में भी खुशी का माहौल रहेगा। मिथुन राशि के जातकों, आज आपको आपकी प्रॉपर्टी के अच्छे दाम मिल सकते हैं। मिथुन राशि के जातकों, आज आपको कोई खुशखबरी भी प्राप्त हो सकती है, जिससे आपका मन काफी प्रसन्न रहेगा। इसके साथ ही मिथुन राशि के जातकों, अगर आपकी संतान अविवाहित है, तो आज उनके लिए रिश्ता भी आ सकता है। मिथुन राशि के जातकों, आज आपको अपनी वाणी पर भी अपने संयम रखना होगा और आज आपको अपने जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिलेगा। अगली राशि है कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों, आज आपका दिन थोड़ा परेशानी वाला रह सकता है। यदि आपका जमीन या जायदाद से संबंधित कोई केस कोर्ट कचहरी में चल रहा है, तो आज आपको सावधान रहना चाहिए। आज आपके जरूरी कागजात चोरी हो सकते हैं। कर्क राशि के जातकों, आज आपको अपनी मेहनत से ही जीत हासिल होगी और आज आप खुश भी रहेंगे। कर्क राशि के जातकों, अगर आप अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए काफी अधिक मेहनत कर रहे हैं, तो आज आपको और फोकस करने की आवश्यकता है, वरना आज आपको कोई बड़ा नुकसान हो सकता है, जिससे आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ेगा। कर्क राशि के जातकों, आज आपके अधिकारी यानी कि आपके ऑफिस में आपके बॉस आपसे प्रसन्न रहेंगे। कर्क राशि के जातकों, अगर आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तो आज आपको समाज में मान सम्मान भी मिलने वाला है। अगली राशि है सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों, आज आपका दिन अच्छा रहने वाला है। आज आपको आलस बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, वरना आज आपको थकावट महसूस हो सकती है और आज आपके कई बने हुए काम बिगड़ सकते हैं। सिंह राशि के जातकों, आपको आज समाज में मान सम्मान मिलेगा और आज आप कुछ अच्छा कार्य करने वाले हैं। सिंह राशि के जातकों, आज आपको अपने मन से चिंताओं को दूर करना चाहिए, वरना आप परेशान हो सकते हैं। सिंह राशि के जातकों, आज आप परिवार के साथ किसी यात्रा पर भी जा सकते हैं, जिससे आपको थकावट महसूस हो सकती है। सिंह राशि के जातकों, आज आपके द्वारा लिया गया निर्णय आपके भविष्य को तय करेगा। आज इसीलिए कोई भी निर्णय सोच समझ कर ही लें। सिंह राशि के जातकों, आज आपको अपने जीवन साथी का भी भरपूर सहयोग मिलने वाला है। अगली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों, आज आपका दिन अच्छा गुजरेगा, लेकिन आप अगर किसी परेशानी में फंसे हुए हैं, तो आज आप अपने बल और बुद्धि के प्रयोग से इसे हल कर पाने में कामयाब भी रहने वाले हैं। पैतृक संपत्ति के चक्कर में आप किसी कानून के चक्कर में आज पड़ सकते हैं, इसलिए संपत्ति और प्रॉपर्टी को लेकर आज थोड़ा सावधान रहें। कन्या राशि के जातकों, आज आपके घर में किसी अतिथि का आगमन हो सकता है, जिसको लेकर आपके मन में काफी प्रसन्नता रहेगी। कन्या राशि के जातकों, आज दिन भर आप थोड़े थके हुए महसूस करेंगे, लेकिन शाम तक आपकी थकावट दूर हो जाएगी। कन्या राशि के जातकों, आज आपको कोई भी विवाद से दूर रहना चाहिए और आज आपको अपने परिवार का पूरा सहयोग मिलने वाला है। अगली राशि है तुला राशि। तुला राशि के जातकों, आज आपका दिन चुनौतीपूर्ण रह सकता है। आज आपके परिवार में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, लेकिन आज कई मुश्किलें भी आपके सामने आएंगी। जहां तक बात आपके व्यापार की है, तो अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए अपने व्यवहार में सरलता बनाए रखें और अपनी वाणी पर आज संयम रखें। तुला राशि के जातकों, अपने मन को शांत रखने के लिए आज आपको ध्यान भी करना चाहिए। आज आपको अपने परिवार के बुजुर्गों का आशीर्वाद भी मिलने वाला है। अगली राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों, आज आपका दिन आर्थिक रूप से काफी अच्छा रहने वाला है। आपको धन की किसी प्रकार की भी कमी नहीं रहेगी और आज आपका आर्थिक पक्ष मजबूत रहने वाला है। वृश्चिक राशि के जातकों, आज आपके परिचितों से आपका विवाद हो सकता है, इसलिए अपने मन को शांत रखें और वाद विवाद में पड़ने से आज बचें। वृश्चिक राशि के जातकों, आज आपका विवाद आपको परेशान कर सकता है, इसलिए अपनी वाणी पर संयम रखें। वृश्चिक राशि के जातकों, आज आपको अपने जीवन साथी का भी भरपूर सहयोग मिलेगा और आज आप अपने जीवन साथी के कार्यों में उनका हाथ बटाएंगे। वृश्चिक राशि के जातकों, आज आपको शेयर बाजार में अगर आप पैसा लगाते हैं, तो आज उससे आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। अगली राशि है धनु राशि। धनु राशि के जातकों, आज आपका दिन थोड़ा परेशानी वाला रह सकता है। आप किसी बात को लेकर परेशान हो सकते हैं, इसीलिए आज अपने मन को शांत रखें और अपने परिवार के साथ बैठकर किसी भी समस्या का हल निकालें। धनु राशि के जातकों, आज आपके आस पड़ोस में किसी मांगलिक
कार्यक्रम में आप भाग ले सकते हैं, जिससे आपका मन शांत भी रहेगा। धनुराशि के जातकों, आज आप अपने मित्रों से मुलाकात कर सकते हैं, जिससे आपका समय अच्छा बीतेगा। धनुराशि के जातकों, जहाँ तक बात प्रेम संबंधों की है, तो प्रेमी जातकों को आज अपने प्रेमी को कहीं पिक्चर दिखाने के लिए ले जाना चाहिए, इससे आपके रिश्तों में मजबूती आएगी। धनुराशि के जातकों, आज आपको अपनी गलत संगतों का त्याग करना होगा और अपनी पढ़ाई लिखाई पर भी ध्यान देना होगा, अगर आप एक छात्र हैं। धनुराशि के जातकों, आज जीवन साथी की ओर से भी आपका मन काफी प्रसन्न रहने वाला है। इसके साथ ही धनुराशि के जातकों, आज जीवन साथी की ओर से भी आपका मन काफी प्रसन्न रहने वाला है। अगली राशि है मकर राशि। मकर राशि के जातकों, आज आपका दिन काफी अच्छा है। आज समाज में और आज आपके घर परिवार में आपका मान सम्मान बढ़ने वाला है, जिसकी आपने कभी उम्मीद भी नहीं की होगी। मकर राशि के जातकों, आज आप अपने परिवार की भलाई के लिए कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं, जिसमें आपको अपने परिवार के सदस्यों का सहयोग प्राप्त होने वाला है। मकर राशि के जातकों, इसके साथ ही यदि आप कोई जमीन या फिर प्रॉपर्टी को लेकर लेन देन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आज का समय काफी अच्छा है, क्योंकि आज आपको इसमें लाभ प्राप्त हो सकता है। अगर आप जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, तो आज कार्यालय में आपको अधिकारियों द्वारा आपकी प्रशंसा सुनने को मिल सकती है, जिससे आपका मन काफी प्रसन्न रहेगा। मकर राशि के जातकों, आज आपकी मासिक आय में भी बढ़ोतरी होने वाली है। मकर राशि के जातकों, आज संतान पक्ष की ओर से भी आपका मन काफी प्रसन्न रहने वाला है। अगली राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों, आज आपका दिन ठीक ठाक बीतेगा। किसी कार्य को पूरा करने में आप बहुत अधिक आज मेहनत करने वाले हैं, जिससे आपको काफी थकावट महसूस होने वाली है। आज आपको बुखार भी आ सकता है, इसलिए अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। कुंभ राशि के जातकों, आज आप मंदिर जा सकते हैं और आज आप सामाजिक कार्य भी करेंगे, जिससे आपके मन को काफी प्रसन्नता मिलेगी। कुंभ राशि के जातकों, यदि आज आपको धार्मिक आयोजनों में जाने का मौका मिलता है, तो आज आप जरूर जाएं। कुंभ राशि के जातकों, यदि आप मार्केटिंग में जॉब करते हैं, तो मार्केटिंग में आपको कोई लक्ष्य पूरा करना था, वो आज पूरा हो सकता है। कुंभ राशि के जातकों, जीवन साथी के व्यवहार से आप थोड़े तनाव में रहेंगे और आज आप जीवन साथी के साथ विवाद में भी पड़ सकते हैं, इसलिए अपनी वाणी पर संयम बनाए रखें। अंतिम राशि है मीन राशि। मीन राशि के जातकों, आज आपका दिन काफी महत्वपूर्ण है। आज आप अपनी बहादुरी के कारण सबके सामने हीरो बनने वाले हैं। मीन राशि के जातकों, नौकरी करने वाले जातकों के लिए भी आज का दिन काफी अच्छा है। मीन राशि के जातकों, यदि आपका कोई पुराना कार्य आपके कार्यालय में अधूरा रह गया था, तो आप आज उसे पूरा कर सकते हैं, जिससे आपके अधिकारी आपसे काफी प्रसन्न रहेंगे। मीन राशि के जातकों, आज आपकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार आने वाला है और अगर आपने काफी लंबे समय से कोई योजना बनाई हुई है, तो उस योजना में भी आज आपको कामयाबी मिल सकती है। मीन राशि के जातकों, लेकिन आज आपको अपनी वाणी पर संयम रखना होगा और आंखों में मोतियाबिंद जैसी शिकायत होने पर आज आपको अच्छे चिकित्सक से मिलना चाहिए और आंखों में कोई परेशानी होने पर आज आपको डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए। तो दर्शकों, ये था 21 सितंबर 2023 का राशिफल। ये राशिफल आपको कैसा लगा, आप हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए साउथ ब्लॉक डिजिटल। नमस्कार।